तो फिलहाल मैं एक्चुअली निकल चुका था स्टूपा में जाने के लिए, धामे स्टूपा में। तो क्या हुआ एक्चुअली, अभी तो क्या बोलता हूँ, ये कोरोना का टाइम है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि ऐसे दर्द भी बहुत सारा आता है। तो मास्क दोनों के लिए ज़रूरी होता है, दोनों कारण के लिए। तो लेकिन मैं भूल गया था, फिर से जाना पड़ रहा है मेरा रूम में। ओके, स्वागत है मेरा ये नया ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगा आप सब लोगों के साथ, हम लोग कैसे चैंटिंग करते हैं स्टूपा में जाके, क्या क्या करता है। तो फिर मैं कोशिश करूँगा थाई लोग कैसे क्या मतलब चैंटिंग करते हैं, कैसे वो सब कुछ करते हैं, मैं आगे कोशिश करते रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा नया ब्लॉग। सो आई एम रेडी टू गो। हाँ मोदी जी, हम तो स्टूपा में जा रहे हैं, आप बताइए आपका देश का हालत क्या है। सब देश का हालत ना, अभी तो क्या होगा, आपका बिना देश चलेगा क्या मोदी जी? चलेगा ना। अच्छा अच्छा, तो भाई रेडी हो जाइए, हम जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोग तैयार हो रहा है जाने के लिए। और बाबलू जी, तो ये सब नया आया है थाईलैंड से ग्रुप, तो अभी सब लोग फिलहाल। तो बाय द वे, ये है चाइना मंदिर, चाइनीज टेम्पल, तो ये सारनाथ में, यहाँ पर हम रहते हैं। तो ये सब लोग को तैयार हो रहा है जाने के लिए। और यहाँ पर कुछ है जो देखा दे। हाँ, ये गाड़ी से आया है सब लोग, और कुछ सामान वगैरह है आई गेस। तो ये शायद हम लोग इसमें जाने वाला ही नहीं, वो पता नहीं चल रहा है अभी, लेकिन देखते हैं अभी। और ओके, तो मालिक ठीक है। गेट का अंदर आ गया है, तो टिकट ले रहा है वहाँ पर। तो ऐसा होता है यहाँ पर, अभी कोरोना का कारण फ्लावर कोई भी सब कुछ जो जैसे कि कुछ सामान होता है हम लोग चैंटिंग के लिए, वो लाना मना है। तो अभी परमिशन लेना पड़ता है, इसलिए ये लोग बाहर परमिशन ले रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे। फिलहाल स्टूपा का अंदर है, तो यहाँ पर जो रेलिंग है, यहाँ पर आप लोग रेलिंग देख पा रहे हैं, तो ये खुला जगह है। तो यहाँ से परिक्रमा करने के लिए है ये जगह, जैसे ये देख रहे हैं, ये परिक्रमा करने के लिए हम निकल रहे हैं शायद, अगर वो लोग करते हैं तो यहाँ से। तो बस अभी जाने वाला है, हम लोग वहाँ बैठ के यहाँ से चैंटिंग शुरुआत करेंगे, तो वहाँ चलते हैं फिलहाल अभी। मिडल ऑफ द ग्राउंड में आ गया, एक्चुअली ग्राउंड भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये धंसा बसेस है, तो ये सब मतलब नष्ट हो गया है। तो ये खुदाई करने के बाद इस तरह कुछ मिला हुआ है, तो यही है फिलहाल। तो आगे बंते जी लोग वहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर स्टूपा का धंसा बसेस है, तो वहाँ पर हम अभी जा रहे हैं वो लोग को देखने के लिए। तो फिलहाल चलिए उधर। อย่างซึ่งทำ
สูตรให้เป็นไปนะครับโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5อย่างนั้นสถานที่เบื้องหน้าของครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมมหานามะอัสสชินะครับเป็นติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนังสัทธาโหเมสุนันตุสัทธาโหสัทธาโหสัทธาภะคะวะสัทธาภะคะวะสัทธาภะอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะปัจสิโกอปนายโกปัจจัตตังเวทิตังโกวิญโญหิภะคินายโยอันติตัมปะโมทติสุนาคตังสุมังคะตังสุปะคะตังสุโหติตังสุขะโนअभी बहुत देर हो चुका है, लगभग प्रेयर ख़त्म होने के बाद थोड़ा कपड़ा जो चरवाना है वो चरा के मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर में, क्योंकि ऐसा है कि मेरा दोस्त आया है श्रावणी और उसका फैमिली, तो मंदिर में उन लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं, तो मुझे इसीलिए जाना पड़ रहा है। तो ठीक है, मैं कोशिश की आप लोगों को जितना हो सके यहाँ पर हम लोग कैसे चैंटिंग करते हैं वो दिखाने का प्रयास किया जितना हो सके। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा होगा, अच्छा लगा। तो ठीक है, तो और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा मेरा वीडियो। तो अगर मेरा चैनल में आप लोग नया है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर, जो भी आपका मन है कर देना, और क्योंकि वो करने से मेरा थोड़ा हौसला बढ़ जाता है और थोड़ा वीडियो बनाने का। ओके, बाय द वे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं हमारा अगला नया वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सबको।